नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोष संतोषी। और आज एक नए पोजीशन पर इस समय आप लोग हमें देख रहे हैं और रांची में मिल सकते हैं। रांची में मिलने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 9910291850 या 9560447000। ये नंबर्स हैं जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे मिलने के लिए प्रयास कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे से पोजीशन पर बैठ करके आप लोगों से जब इस तरह से वार्ता होती है कुछ डिफरेंट करके, तो और भी एक आनंद की किरण अपने हृदय में हम प्रस्फुटित प्राप्त कर लेते हैं। पंचांग की बात कर लेते हैं। आज का पंचांग ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि और 2:01 तक है। इसके बाद पूर्णिमा भी आज लग जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक में, नक्षत्र अनुराधा रहेगा और योग रहेगा साध्य। तदनुसार दिनांक 16 जून दिन रविवार। राहु काल रविवार को होता है 7:30 से 6 बजे तक। राहु काल में नए और शुभ काम का आरंभ नहीं किया जाता और गुली काल का समय रहेगा 2:03 से 4:30 तक। गुली काल में हर एक काम बन जाएंगे, बस काम आप करते जाइएगा। ग्रहों की बात कर लेते हैं तो 16 जून 2019 को सूर्य का परिवर्तन हो चुका है मिथुन राशि में। बुध मंगल राहु सूर्य एक साथ रहेंगे और बृहस्पति चंद्रमा एक साथ, शनि और केतु एक साथ, शनि की ही दशा में आज का सूर्योदय है और शुक्र वृषभ राशि में। ये ग्रह मिलकर के निर्धारित करते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, मेष से लेकर के मीन तक की बताते हैं कि पूरा साल के साथ आज का दिन जो अब शुरू हो चुका है वो आपके लिए कैसा रहेगा। मेष राशि, मेष राशि वालों के लिए शिक्षा क्षेत्र में आज बहुत ज्यादा करने की उम्मीद नहीं है। कुछ दिक्कतें, परेशानियां अकस्मात उलझा सकती है। धन की स्थिति में भी कुछ डावाडोल मामला दिखाई दे रहा है जिसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ सकता है। कैसे चीजों को मैनेज करें ये भी आपके दिल में चलता रहेगा। मिला जुला करके आज शिक्षा के लिए दिन ठीक नहीं है। व्यापार के मामले में आज का दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस आपका उत्तम चलेगा, बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। व्यापार में कुछ विशेष लाभ के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि, बिजनेस में शाम के बाद मित्र की मदद से उत्तम लाभ मिलेगा। बिजनेस के बाद कुछ परिस्थितियां प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए अनुकूल नहीं है, बधा बधा सा महसूस करेंगे आज। कार्य क्षेत्र में किसी दोस्त की वजह से कुछ समस्याएं अकस्मात बढ़ सकती हैं। धन के मामले में कुछ जांच ओच में भी उलझ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए, मेष वालों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आप ऊंचाई छुएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी, गवर्नमेंट सेक्टर आपका बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे को अविश्वास की निगाह से देख सकते हैं, पति भी पत्नी भी। ये स्थिति आपके लिए कहीं से भी सकारात्मक नहीं है। मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आज कुछ उलझने बढ़ सकती हैं दोपहर के बाद। बच्चों को लेकर के भी परेशानियां कुछ ज्यादा दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, समर्पण बना रहेगा। लव लाइफ में नई शादी के संकेत दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य, आंख की तकलीफ आज विशेष परेशान करेगी। क्या उपाय करना चाहिए आपको? अगर आपकी राशि मेष है तो आज हल्दी का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज ब्लैक कलर अवॉइड करना है। पीला रंग शुभ है, 64% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ राशि,
धन की वजह से शिक्षा पे प्रबल बाधा है, शिक्षा क्षेत्र में विशेष रुकावट की स्थिति दिखाई देती है। हो सकता है शिक्षा क्षेत्र में कुछ विशेष परेशानियां भी आपको महसूस हो। आज रुकावटों के साथ ही आगे बढ़ पाएंगे, बिना रुकावट आज कुछ नहीं है। बिजनेस में दोस्त निवेश कर सकता है, दोस्त के साथ कुछ अच्छे लाभ के संकेत भी दिखाई देते हैं। वृषभ राशि, आज व्यापार में बाधाओं के साथ लाभ भी है, 20 से 25% बिजनेस आज बढ़ सकता है। बिजनेस में आ रही समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे, बिजनेस में विशेष लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। कुछ बड़ा व्यापार भी आज कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज नौकरी में रुकावट के बाद प्राप्ति भी है, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज कुछ विशेष नए निवेशक भी आपको मिल सकते हैं। वृषभ राशि, सरकारी क्षेत्र नई जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं, सरकारी क्षेत्र में लाभ के साथ बड़ी प्राप्ति है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन एक अन्य प्रकार से भी अनुकूलता लाएगा, दांपत्य जीवन में पैचअप हो जाएगा। आज लव लाइफ में कुछ उठापटक बना रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में आज पेट की दिक्कत परेशान कर रही है। गौ माता को हरा चारा दीजिएगा, क्या नहीं करना है आज ज्यादा खर्च नहीं करना है। हरा रंग शुभ है, 50% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि के लिए आज का दिन प्रतिकूलता के साथ आ रहा है, शिक्षा में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, शिक्षा आज प्रभावित हो रहा है। कोई दोस्त आपको आज मनमुटाव करके मानसिक परेशान करेगा। बिजनेस, मिथुन राशि, 16 जून बम बम रहेगा आज, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बिजनेस में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी, दोस्तों की मदद से बिजनेस में आज 4 चांद लग जाएगा, आज आप पर भरोसा करके कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में आ रहा बदलाव बहुत कुछ कह के जाएगा, नौकरी के क्षेत्र में बॉस के साथ पैचअप करने में ही समस्या आ सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ प्रबल बाधाओं के साथ आज लेन देन का भी समय अनुकूल नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए विशेष लाभ के संकेत हैं। हो सकता है कि फायदे की स्थिति आप हर तरह से सकारात्मक बना सकें। दांपत्य जीवन में कुछ विशेष परेशानी आ सकती है, मैरिड लाइफ आज प्रभावित हो रहा है। दिनांक 16 जून मिथुन राशि वालों के लिए पत्नी का साथ आज छूट सकता है। मिथुन राशि, लव लाइफ में आज आप प्रसन्न रहेंगे, डेट पर भी जा सकते हैं, सामंजस्य बैठाने का आज अवसर आएगा, आज आपस में तालमेल बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए आज के दिन को बेहतर करने का उपाय क्या है, स्वास्थ्य जान लीजिए। आज हड्डियों की दिक्कत आपको परेशान करेगी, सर में माइग्रेन की समस्या रहेगी, कुछ सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो रही है। आज किसी जरूरतमंद को दवा का दान कर दीजिएगा, क्या नहीं करना है आज, आज पी प्लान कुछ नहीं करना है। बादामी रंग शुभ है, 63% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, अद्भुत शिक्षा ग्रहण करेंगे, विदेश से शुभ अवसर की प्राप्ति होगी, आज टीचर्स आपसे प्रसन्न रहेंगे। बिजनेस, 16 जून कर्क राशि, व्यापार में उन्नति आएगी, दोपहर के बाद के सभी निर्णय पक्ष में जाएंगे, लाभांश आपका बढ़ेगा। कर्क राशि, 16 जून प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में कुछ समस्याएं आ रही हैं,
किसी तरह की जांच में भी आप उलझ सकते हैं। ये आपके लिए संकेत अच्छा नहीं कहा जा सकता। कर्क राशि वालों के लिए कुछ सकारात्मक ऊर्जा को बेहतर करने का प्रयास करना होगा और यही आपके लिए ऊर्जान्वित रहने का अवसर प्रदान करता है। कर्क राशि वालों के लिए समय कई मामलों में बहुत अनुकूलता लेकर के आया है और इस चीज को आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि धन की स्थिति सदा के लिए शुभ होने जा रही है। सरकारी नौकरी वालों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। पति पत्नी एक दूसरे के साथ पैचअप करके रहेंगे और लव लाइफ में नई डेट तैयार है। कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। शुभकामनाएं। कर्क राशि, क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि कर्क है तो सबसे सकारात्मक उपाय बस एक है और वो है, पहले स्वास्थ्य जानिए, शुगर पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पर उड़द की खिचड़ी आज दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? मां को पलट के जवाब नहीं देना है। पीला रंग शुभ है, 53% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, भैया सिंह राशि वाले, आज आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत उन्नति उठाएंगे, बहुत लाभ मिलने जा रहा है। आज जल्दी जगने का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि, व्यापार घाटा हो रहा है, बिजनेस फंस सकता है, बिजनेस में कोई विशेष बाधाएं आ सकती हैं। बिजनेस के मामले में आज आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह राशि वालों को नए रिस्क नहीं लेना है। प्राइवेट सेक्टर नौकरी में चेंज है। शाम 4 बजे के बाद प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहेगी और परिवर्तन सामने रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी में आज कुछ विशेष दिक्कत आ सकती है। जैसे आप पर किसी तरह की जांच का साया भी मंडरा सकता है। कुछ लेन देन में समस्या गंभीर हो रही है। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा समय रहेगा। तालमेल बहुत अच्छा बिठाएंगे, समस्याओं से बाहर निकलेंगे, पत्नी का साथ बना रहेगा, ससुराल से रास्ता साफ होगा। सिंह राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन के बाद लव लाइफ में ध्यान दिया जाए तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कुछ स्थितियां ऐसी भी खराब हो सकती हैं कि जो आपके लिए पहले से ही कुछ इस प्रकार से परेशान कर रही हो। सिंह राशि, उपाय क्या करना है बताएंगे। स्वास्थ्य के बारे में जान लीजिए। आज माइग्रेन और हार्ट की प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही है। उपाय के तौर पर आज के दिन किसी जरूरतमंद को जल का दान करिएगा। क्या नहीं करना है आज? सिंह राशि वालों को आज बड़बोलापन नहीं दिखाना है। आसमानी रंग शुभ, 57% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, ये स्थिति आपके लिए ज्यादा खराब है। आज कन्या राशि वालों को शिक्षा में कोई परेशान कर रहा है। दोस्तों के साथ मतभेद बढ़ सकता है, दोस्ती में समस्याएं आ सकती हैं। आज कन्या राशि वालों के लिए हर प्रकार से आप दोनों के बीच का समय बहुत अनुकूल आएगा। कन्या राशि, आप प्राइवेट सेक्टर में आज परेशान ज्यादा हो सकते हैं। रुपया पैसा फंस सकता है, कोई आपको चीट कर सकता है। नई नौकरी का प्रयास असफल रहेगा। सरकारी क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, धन बढ़ रहा है, नई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है, जिम्मेदारी का निर्वहन आप अच्छे से करेंगे। कन्या राशि, दिनांक 16 जून दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच में कोई अन्य प्रवेश कर सकता है, आप पर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने जा रहा है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत सोच समझकर फैसले की घड़ी है।
दाम्पत्य जीवन के बाद लव लाइफ, अगर आपकी राशि कन्या है तो आज डेट पर जाना कैंसिल करिएगा। परिजनों के ऊपर कुछ भूत सवार है, आज लव लाइफ छिन्न भिन्न हो सकता है। कन्या राशि 16 जून, स्वास्थ्य, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर आज बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आज का दिन गौ माता को समर्पित करिएगा। क्या नहीं करना है आज, आज दोपहिया वाहन से लंबी यात्रा नहीं करना है। ब्राउन कलर शुभ है, 41% का भाग्य आपके साथ है। आज और कल 2 दिन आप हमसे अभी रांची में मिल सकते हैं, इसके बाद 1 दिन के लिए हम कानपुर और लखनऊ रहेंगे, आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ से हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वक्त है कुछ और जानकारियों का कि कब कहां पर हमसे आप मिल सकते हैं, कहीं ना जाइए। जारी है ज्योतिष दिशा, बाकी बची राशियों के साथ जल्दी ही वापस आते हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सबका, देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। बाकी बची राशियों का हाल देख लिया आपने, कहां कहां पर किस किस तारीख में हमसे आप मुलाकात कर सकते हैं। नागपुर वाले भी तैयार हैं, रायपुर वाले तैयार हैं, और कलकत्ता वाले तैयार रहें, और पुणे और मुंबई वाले तैयार रहें। मुंबई वाले अब हर महीने की 1 तारीख से 10 तारीख तक हमसे मुंबई में मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने कि 1 से 10 तक का समय मुंबई में, याद रखिएगा, एवरी मंथ। तुला राशि, शिक्षा क्षेत्र में विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा क्षेत्र में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ उत्तम शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दिनांक 16 जून तुला राशि, व्यापार बिजनेस के मामले में कुछ परिस्थितियां आज प्रतिकूल दिखाई देती हैं, हो सकता है कि बिजनेस अकस्मात रुक सी जाए, बिजनेस में भयानक बाधा आ सकती है। प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में उन्नति है, प्रमोशन है, नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। एक दूसरे के साथ नौकरी आगे लेकर के जा सकते हैं, जहां से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए आज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, अचानक समस्याएं बहुत गंभीर हो जाएं। संभावना है कि किसी विशेष प्रबल बाधा में आप उलझ सकते हैं सरकारी क्षेत्र में। तुला राशि, एक और परिस्थिति है जिस पर आपको कम भरोसा होगा, और वो है दाम्पत्य जीवन। आज पत्नी रूठ सकती है, पत्नी के साथ कुछ विचार व्यवहार उलझा सकता है। तुला राशि, लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लव लाइफ में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। एक है समय ऐसा कि जब लव लाइफ के विषय में आप सोचते सोचते विचलित हो जाएंगे, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य, हड्डियों की दिक्कत परेशान कर रही है, क्या उपाय करना चाहिए? तुला राशि वालों को आज स्वयं पर भरोसा करना चाहिए। चीनी का सेवन ना करिएगा। नीला रंग शुभ है, 54% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, अद्भुत दिन है, अद्भुत अवसर है, शिक्षा क्षेत्र में बहुत विशेष लाभ मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र में आ रही बाधा दूर होगी, शिक्षा क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा, शिक्षा क्षेत्र आपके लिए सबसे उत्तम क्षेत्र है। कुछ समस्याएं हैं जो कि आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेंगी। अगर आपने पहले से ही सोचा था कि किसी चीज के लिए विशेष अवसर का आप इंतजार नहीं करेंगे, तो आज बिजनेस में खुद से निर्णय ले लीजिएगा, किसी से सलाह लेने का इंतजार ना करिएगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में कुछ विशेष दिक्कतें आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति आज बहुत अच्छी रहेगी, पत्नी आज पूरी तरह समर्पित रहेगी, पति भी आज समर्पण के साथ कुछ उपहार भी दे सकते हैं। लव लाइफ में थोड़ा सा डावाडोल मामला दिखाई देता है, लव लाइफ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक खास ध्यान देने वाली बात है कि समस्या तो है, लेकिन इस समस्या की गंभीरता को आप संजो सकते हैं। वृश्चिक राशि, क्या उपाय करना चाहिए? पहले स्वास्थ्य जानिए, आंख और लीवर की दिक्कत हो सकती है। उपाय के तौर पर आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी का दान करिएगा। क्या नहीं करना आज? आज चीख चिल्ला की बात नहीं करना है। ग्रे कलर शुभ है, 54% का भाग्य आपके साथ है। तुला वृश्चिक वाले आज सेम सेम भाग्य परसेंटेज। धनुराशि, शिक्षा आज अद्भुत रहेगी, शिक्षा में कुछ बाधाएं थी वो दूर हो जाएंगी, दोस्त मदद करेगा। बिजनेस में आज निवेश का नुकसान हो सकता है, अकस्मात कुछ घाटे की संभावना है, शेयर सट्टा वाले आज सावधान रहेंगे, आज आपको विशेष घाटा हो सकता है। धनुराशि दिनांक 16 जून प्राइवेट सेक्टर, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, कहीं नई जगह पे आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धनुराशि, अकस्मात किसी गंभीर बीमारी से भी जूझ सकते हैं आप, जो आपके लिए विशेष हानिप्रद है। काम में मन कम लगेगा, जिसकी बीमारी की वजह से भी आप काम करने आज शायद ना आए, छुट्टी पर रहें। बॉस आज बहुत नाराज भी हो सकता है, लेकिन शाम तक ऑफिस का माहौल ठीक हो जाएगा। धनुराशि 16 जून दांपत्य जीवन, धनुराशि की महिलाओं के लिए समय अनुकूल नहीं है, आप पर चिंता की लकीरें मंडराएंगी। दांपत्य जीवन में जो महिलाएं हैं, धनुराशि की आज 16 जून को पति पर ज्यादा ब्लाइंड फेथ करने की आवश्यकता नहीं है। धनुराशि लव लाइफ में मामला ठीक ठाक रहेगा, समय अनुकूल है, आगे बढ़ेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, समस्याओं से बाहर निकलेंगे। क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे, स्वास्थ्य का पहले जान लीजिए। धनुराशि वालों के लिए हेल्थ वाइज देखा जाए तो आज का दिन अच्छा जाएगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लाभ मिलेगा, और हो सकता है कि आपके हेल्थ पर दवाओं का असर आज बहुत अच्छा हो। उपाय क्या करना है बता देते हैं। आज माँ दुर्गा का ध्यान करिएगा, माँ दुर्गा का मंत्र ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, दुर्गा मंत्र का जाप करिएगा। धनुराशि वालों को क्या नहीं करना है आज जल्दीबाजी नहीं करनी है और शांति बनाए रखनी है। बैंगनी रंग शुभ है, 58% का भाग्य। मकर राशि, दिन बहुत अच्छा रहेगा, खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 16 जून बिजनेस मकर राशि, व्यापार में घाटा हो सकता है, दोस्त चीट कर सकता है, लोन सेंक्शन हो जाएगा। मकर राशि 16 जून प्राइवेट सेक्टर, नई नौकरी की खूब सारी संभावनाएं हैं, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, नौकरी में आ रही बाधाओं से बाहर निकलेंगे। सरकारी नौकरी, थोड़ा सा प्रेशर महसूस करेंगे, लाभ होने जा रहा है, बड़बोलेपन से थोड़ा बचना होगा, बॉस लेकिन शाम तक प्रसन्न हो जाएगा। मकर राशि 16 जून दाम्पत्य जीवन, पत्नी तो मानी मनाई बैठी हुई है, पुराने गिले शिकवे आज भुला देगी। जो मकर राशि के पति हैं उनको भी आज थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देना होगा,
और दाम्पत्य जीवन को सुधारने की कोशिश करनी होगी। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए एक संभावना और भी है कि आज लव लाइफ में ब्रेकअप है। बहुत ध्यान से समझिएगा। मकर राशि, 16 जून, स्वास्थ्य, लीवर की दिक्कत और शुगर की दिक्कत आज परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर आज काला रंग धारण करिएगा। मेरा मकर लग्न है आज, लकली हमने भी ब्लैक पहना है। क्या नहीं करना है आज के दिन, अपने राज रिवील नहीं करने हैं। काला रंग शुभ, 53% का भाग्य आपके सानिध्य में है। कुंभ राशि, दिन अच्छा बीतेगा, शिक्षा में खूब मन लगाएंगे, शिक्षा क्षेत्र में कुछ आ रही बाधा सदा के लिए दूर हो जाएगी, हो सकता है शिक्षा में कुछ विशेष लाभ के भी अवसर आपको प्राप्त हो। राशि, कुछ बड़बोलेपन के कारण व्यापार प्रभावित होगा, वादा टूट सकता है, अचानक मुश्किलों में आ सकते हैं, कुछ पैसा फंस सकता है आपका। और अगर आपकी राशि मकर है, कुंभ है, तो आज किसी को भी उधार देने की आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, याद रखिएगा। कुंभ राशि, क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे। पहले प्राइवेट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों वालों को बता देते हैं। आज कुंभ राशि वालों को आज दोनों क्षेत्रों में बॉस के साथ नोक झोंक झेलना पड़ सकता है। ऐसे करना है, ऐसे करना है, हम ऐसे क्यों करें, मतलब इसी चीज में उलझेंगे आज। कार्य क्षेत्र का माहौल आज ठीक नहीं रहेगा, कुछ स्ट्रेस में भी रहेंगे आप, खर्च की अधिकता परेशान करेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पत्नी के साथ रिश्ता मधुर होगा। आज कुंभ राशि के पुरुष भी आज प्रसन्न रहेंगे और कुंभ राशि की महिलाएं भी आज प्रसन्न रहेंगी, क्योंकि आप दोनों के बीच का तालमेल बहुत अच्छा बैठने जा रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए लव लाइफ की बात अगर करें, तो आज लव लाइफ में कोई और प्रवेश कर रहा है, हो सकता है अकस्मात आप सेपरेट होने की स्थिति पे आ जाए। स्वयं पर आज भरोसा रखें, शीघ्र कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो बेहतर रहेगा। क्या उपाय करना है बताएंगे। पहले स्वास्थ्य जान लीजिएगा। स्वास्थ्य में आज सुधार होगा, लीवर की दिक्कत थी लेकिन ठीक हो जाएगी, बैक बोन से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय के तौर पर आटे का दान शुभ रहेगा। क्या नहीं करना है आज, लाल रंग नहीं पहनना है, सफेद रंग की शुभता है, 49% का भाग्य आपके साथ है। मीन राशि, समय बहुत सकारात्मक रहेगा, एक दूसरे के साथ बहुत तालमेल बिठा लेंगे, अनुकूलता आपके साथ रहेगी। बहुत सोच समझ करके बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जानबूझ करके कुछ ऐसी स्थिति में ना आइएगा जिससे समस्याएं गंभीर हो जाएं। बिजनेस में घाटा हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में चेंज है, सरकारी क्षेत्र में आज बॉस रूठेगा लेकिन शाम तक आप अपने अच्छे काम से मना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन फिर भी ठीक रहेगा, 16 जून को ज़्यादा कोई समस्याएं नहीं है, समर्पण बना रहेगा और हो सकता है कि कुछ बड़ा करने की चाहत भी आज पूरी कर ले। मीन राशि, क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे। पहले लव लाइफ जान लीजिए। आज रिश्ता मधुर रहेगा, हो सकता है कि आज शादी की बात फाइनल हो जाए और नया कोई प्रपोजल भी आज आपको मिल सकता है 16 जून को, मीन राशि वालों को लव लाइफ में। स्वास्थ्य के मामले में आज घुटनों से संबंधित समस्या रहेगी, हड्डियों की दिक्कत भी परेशान कर सकती है। उपाय के तौर पर आज के दिन पीला वस्त्र धारण कर लीजिएगा। क्या नहीं करना आज, आज किसी बड़े को पलट कर जवाब मत दे दीजिएगा। पीला रंग शुभ है, 67% का भाग्य आपके साथ। फटाफट जल्दी से जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर और फिर सक्सेस की। मेष राक्षर, वृषभ का, मिथुन टाक्षर, कर्क ता, सिंह चाक्षर, कन्या द, तुला याक्षर, वृश्चिक ध,
धन उच्चाक्षर मकर गा कुंभ, पा अक्षर और मीन भा, ये आपके अपने शुभ भाग्याक्षर हैं। शुभ इसलिए हैं क्योंकि इनको अपने पास रखने से शुभता की अभिवृद्धि होती है। एक सादे चौकोर कागज पर लिख करके और अपने पास रख लीजिएगा, तब तक काम करेगा जब तक नया वाला भाग्याक्षर नहीं रखते हैं। चलिए जान लेते हैं आज दिनांक 16 जून का सक्सेस की। तीन बूंद सरसों का तेल सर से वार कर किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा, बस। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। आज और कल दो दिन और रांची में मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट तड़ातड़ ले लीजिएगा। रांची में ही अभी हम बैठे हैं और उसके बाद लखनऊ कानपुर। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।